हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल गाइस जेईई मेन जुलाई अटेम्प्ट को लेकर के, सेशन टू को लेकर के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चालू हो रखा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में भी अभी तक गलती कर चुके हैं। हालांकि मैंने डेडिकेटली एक वीडियो, जब ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हुआ था आज से एक दो दिन पहले, मैंने बहुत आप सभी को समझाया है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने जून वाले अटेम्प्ट के लिए फॉर्म भरा हुआ है और उन्होंने अगर उनको जुलाई वाले अटेम्प्ट के लिए भरना है तो उनको पुराने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से ही लॉगिन करके भरना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जेईई मेन के दोनों अटेम्प्ट होने के बाद आपके हायर एनटी स्कोर, जेईई मेन आपका जून में आएगा और जेईई मेन आपका जुलाई में आएगा, उसके दोनों के जो एनटी स्कोर आएंगे उसमें से हायर एनटी स्कोर के हिसाब से आपकी ऑल इंडिया रैंक होगी। यानी आपका जो एप्लीकेशन नंबर है जून वाले अटेम्प्ट का 220310 से स्टार्ट है और जुलाई वाले अटेम्प्ट का आपका एप्लीकेशन नंबर भी इसी एप्लीकेशन नंबर से 220310 से ही होगा। इसका मतलब एप्लीकेशन नंबर आप चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे मुझे लगातार फ़ोन कर रहे हैं, पिछले दो दिनों से मेरे पास ऐसे फ़ोन आए हैं जिनके फॉर्म में उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि उनको लगा यार कि जेईई मेन के जून अटेम्प्ट में जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन कर रहे हैं जुलाई अटेम्प्ट के फॉर्म भरने के लिए, हम सेंटर चेंज नहीं कर पा रहे, क्योंकि सेंटर के लिए आपको स्टेट वही आ रहा है जो आपके जून वाले अटेम्प्ट में आया था, क्योंकि ये स्टेट आपके एड्रेस से, कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस के स्टेट से ही वहाँ पर फैच किया हुआ, चूज़ किया हुआ स्टेट में ही आप सेंटर ले सकते हैं। कई बच्चों को लग रहा है यार हम कैटेगरी चेंज नहीं कर पा, हमने पहले गलती से कैटेगरी कुछ और भर दी थी, और हम ऐसा करते हैं कि नए रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म को भर देते हैं। ध्यान रखिए, जुलाई वाले रजिस्ट्रेशन में अगर कोई स्टूडेंट एज ए फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई करता है तो उसका एप्लीकेशन नंबर 220320 से स्टार्ट हो रहा है, जो कि जून वाले के एप्लीकेशन नंबर की सीरीज से अलग है। यानी अगर कोई स्टूडेंट इतनी बड़ी गलती कर चुका है कि उसने जून वाले अटेम्प्ट के लिए फॉर्म भरा और जुलाई वाले अटेम्प्ट के लिए एज ए फ्रेश कैंडिडेट फॉर्म भर दिया, तो उसके दोनों ही एप्लीकेशन नंबर पे कैंसिलेशन हो सकता है, या फिर जब एनटीए गवर्नमेंट आपका जेईई मेन का रिजल्ट 7 अगस्त को डिक्लेयर करेगी तो उसका डेटा फैच नहीं होगा और उसके जून वाले अटेम्प्ट का रिजल्ट अलग आएगा, जुलाई वाले का अलग आएगा, दोनों को गवर्नमेंट फैच करके हायर एनटीए स्कोर पे नहीं निकाल सकती और हो सकता है कि उसके दोनों रिजल्ट आगे वैलिड होंगे या नहीं होंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। मैं सारे बच्चों को स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूं, प्लीज ऐसी गलती मत करिए। अगर आप जून वाले अटेम्प्ट के लिए पहले फॉर्म भर चुके हैं, आपको उसी एप्लीकेशन नंबर और उसी पासवर्ड से जुलाई वाले अटेम्प्ट के लिए फॉर्म भरना है ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे जाकर के। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप सेंटर चेंज नहीं कर पा रहे, आपको स्टेट चेंज करना था आपको ऑप्शन नहीं दिया गया, अगर आपको लग रहा है कैटेगरी आपको चेंज करनी थी वो ऑप्शन नहीं दिया गया क्योंकि एडिट का ऑप्शन नहीं है जुलाई वाले अटेम्प्ट के लिए, तो प्लीज ऐसी गलती मत करिएगा कि आप एज ए फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई करके देखें, क्योंकि ये गलती बच्चे पिछले दो दिन में कुछ बच्चे कर चुके हैं और मेरे पास कॉल आ चुके हैं। वो कह रहे हैं सर हमारी सीरीज ऑफ फॉर्म की डिफरेंट होगी। नेचुरल सी बात है, मैं शुरुआत में कह चुका हूं फ्रेश कैंडिडेट की तरह अगर कोई बच्चा जुलाई वाले सेशन के लिए अप्लाई करेगा उसके एप्लीकेशन की सीरीज 220320 है, और जून वाले अटेम्प्ट के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा है आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को खोल के देखिएगा, उसमें 220310 की सीरीज है। ये सीरीज बिल्कुल डिफरेंट है, ये इसलिए हमेशा रखी जाती है ताकि दोनों अटेम्प्ट में बाइफिकेशन करके यूनिक कैंडिडेट निकाले जाए कि कितने यूनिक कैंडिडेट जेईई मेन के एग्जाम में बैठ रहे हैं। और यूनिक कैंडिडेट का मतलब है कि या तो उसने जेईई मेन जून का एग्जाम दिया है या जेईई मेन जुलाई का एग्जाम दिया है या फिर दोनों एग्जाम दिए हैं, उसके एप्लीकेशन नंबर से वो सिंक करके हायर एनटीए स्कोर को तभी निकाला जा सकता है जब दोनों बच्चों के दोनों अटेम्प्ट के आपके एप्लीकेशन नंबर सेम हो। तो मेरा समझाने का केवल यही मीनिंग है, अगर आपको लगता है कैटेगरी चेंज करनी थी, जून में अटेम्प्ट में हमने कैटेगरी दूसरी भर दी, अब हमारा सर्टिफिकेट बन चुका है, क्योंकि मेरे पास यही कॉल आ रही है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बन चुका है, ओबीसी का सर्टिफिकेट बन चुका है, लेकिन हमने वहां पर जनरल कैटेगरी भरी थी क्योंकि हमारे पास सर्टिफिकेट का डाउट था, हमने कैटेगरी जनरल भर दी, अब हम एडिट नहीं कर पा रहे, तो क्या हम दोबारा एज ए फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई करते हैं? बिल्कुल नहीं, आप फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके एप्लीकेशन नंबर की जब सीरीज अलग हो जाती है तो रिजल्ट फैच होने में हायर एनटीए स्कोर को नहीं निकाला जा सकता, इसलिए प्लीज ऐसी गलती मत करिए। अगर आप जून वाले अटेम्प्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उसी एप्लीकेशन नंबर और उसी पासवर्ड से आप जुलाई वाले रजिस्ट्रेशन को करिए, क्योंकि एप्लीकेशन नंबर चेंज नहीं हो सकता है। एप्लीकेशन नंबर जिन बच्चों का चेंज होगा उनका यह होगा, या तो उनका जून का रिजल्ट वैलिड माना जाएगा या उनका जुलाई का रिजल्ट वैलिड माना जाएगा, या फिर दोनों ही रिजल्ट में कंट्रोवर्सी होने पर आगे उनको दिक्कत आएगी काउंसलिंग के टाइम में, इसलिए प्लीज मैं स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहा हूं सारे बच्चों को ऐसी गलती किसी से ना हो, क्योंकि गलती कुछ बच्चे कर
चुके हैं, जिनके कॉल मेरे को दो दिन में आ चुके हैं, इसलिए ये वीडियो डेडिकेटली मैं आपको बना करके समझाना चाह रहा हूं, ऐसी गलती कोई मत करिए। फ्रेश कैंडिडेट वाला बच्चा केवल वो होगा जिसने जून का एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ है, और जो जून वाला बच्चा है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पर जाकर के अपने पुराने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से ही फॉर्म को भरे। अगर वो सेंटर चेंज नहीं कर पा रहा, उसी सेंटर के लिए बाउंड हो रहा है जो उन्होंने जनवरी के पहले अटेम्प्ट के लिए फॉर्म फिलिंग के टाइम में एड्रेस को फिल किया था, तो प्लीज उसमें कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है गवर्नमेंट बाद में ऑप्शन दे, हो सकता है गवर्नमेंट बाद में ऑप्शन ना दे, लेकिन अगर आपका स्टेट बाउंड है और आप उसी में आपको सिटी चूज करने का ऑप्शन है, तो ठीक है एग्जाम दे देंगे वहां जाकर के यार, लेकिन उसमें आप अपने रजिस्ट्रेशन को प्लीज न्यू फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में जाके मत करने की गलती करिएगा, क्योंकि गलती बच्चे कर चुके हैं। और कैटेगरी अगर चेंज नहीं हो रही है तो देखी जाएगी आगे, लेकिन ऐसा नहीं कि कैटेगरी चेंज करने के चक्कर में हम फ्रेश कैंडिडेट की तरह अप्लाई कर दें और हमने जून के लिए अलग फॉर्म नंबर से अप्लाई कर रखा है। ये गलती होने से काउंसलिंग में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, या तो आपका जून का रिजल्ट वैलिड होगा या आपका जुलाई का रिजल्ट वैलिड होगा, क्योंकि जब एप्लीकेशन नंबर एक ही कैंडिडेट के दो होंगे तो वहां पर उसको सिंक करके हायर एनटीएस स्कोर नहीं निकाला जा सकता, और खासकर दोनों एप्लीकेशन नंबर अलग इसलिए रखे जाते हैं ताकि यूनिक कैंडिडेट गवर्नमेंट कैलकुलेट कर पाए, या तो वो जून में बैठा है या वो जुलाई में बैठा है या वो दोनों में बैठा है लेकिन उसका एप्लीकेशन नंबर उसका एक ही है। तो गाइस अगर ये गलती आपसे हो रही हो तो ध्यान रखिए, और नहीं करी है फॉर्म आप भरने वाले हो तो प्लीज ये गलती बिल्कुल मत करिएगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। चलिए गाइज मिलते हैं कुछ नए वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, स्टे ट्यून्ड विद अस। कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी अभी भी आपके दिमाग में परेशानी चल रही है, या जेईई मेन आपका जून का अटेम्प्ट बहुत नजदीक है उसको लेकर के भी आपके दिमाग की कोई बात है तो मुझे लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सॉल्यूशन आप तक पहुंचाऊं। और मेक श्योर आपको ये करना है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर हर छोटी से छोटी पॉइंट पे आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देकर के अवेयर किया जाता है, और करियर में आपको बहुत सारी हेल्प के हिसाब से गाइडेंस या फ्यूचर में मिलने वाली है। विश यू ऑल द बेस्ट, लगे रहें। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।